डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज 1 फरवरी है और एसएससी जेई का जो 2019 का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच गया है। ठीक है, एसएससी जेई का जो नोटिफिकेशन है वो अपलोड हो गए हैं और आप देख सकते हैं। और इसकी जो सिलेबस है वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। देखिए, यहाँ पे पेपर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 23/9/2019 से 27/9/2019 तक ये पेपर होने की चांसेस हैं। ठीक है, ये कंफर्मेशन मिल गया। और कैसा एग्ज़ाम होगा? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। अब जिसमें जैसे सिलेबस मैंने आपको बताया कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा 50 मार्क्स का और 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन होंगे। फिर जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स का। फिर पार्ट ए में देखिए, पार्ट ए में क्या आ सकता है? पार्ट ए मतलब तीसरा वाला पॉइंट जिसमें जनरल इंजीनियरिंग आता है, जिसमें सिविल स्ट्रक्चर आ सकता है, फिर बाद में इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो या टेक्निकल। देखो, नॉन टेक में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है, और टेक्निकल में आपका सिविल का जो सिलेबस है। ठीक है, इसके सिलेबस भी मैं ऑलरेडी ये जल्दी ही मतलब अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी देखिए, और इसके लिए समय है, देखिए 200 क्वेश्चंस हैं और समय है ओनली 2 आवर्स। ठीक है, इट मीन्स 100 क्वेश्चन के लिए 1 आवर और 100 क्वेश्चन के लिए 1 आवर। तो आपने बहुत स्पीड में ये सीखना है कि ताकि, और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी है कि ताकि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, कैसे भी क्वेश्चन आते हैं, उसको पहले तो हमने अपने रीड करने का स्पीड प्लस उसको सॉल्व करने का स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि देखिए कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो गया है, बहुत सारे फॉर्म भरे जा रहे हैं, बहुत सारे मार्क्स भी अगर हम पहले के कंपैरिजन में देखें तो कट ऑफ पहले के कंपैरिजन में अभी कट ऑफ बढ़ते जा रहे हैं। तो आप सभी रेगुलर बेसिस पे आप मेहनत करते जाइए कि ताकि आपको ये मिल सके। ठीक है, और इसके लिए और क्या-क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है? इसके लिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बताया है कि ये 25 फरवरी जो है वह तब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। 25 से पहले आपने सभी ने ये फॉर्म को भर लेना है। ठीक है, और उसके लिए क्राइटेरिया डिप्लोमा डिग्री के लिए दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, तो आपने उसका भी ध्यान में रखना है। फिर उससे और इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि उसकी जो सिलेबस है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी आप देख लें। ठीक है, कि ताकि आपको उसको आइडिया मिल जाए कि क्या क्या उसमें हमने पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हमारे चैनल पे कुछ वीडियो तो ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं। ठीक है, टेक्निकल पार्ट के, और कुछ जो बाकी हैं वो बहुत जल्दी आपको अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 मार्क्स है, जनरल अवेयरनेस के 50 मार्क्स है, जो पहले जो 2017 का जो सिलेबस था वही सिलेबस ये भी है। ठीक है, जो जनवरी में एग्जाम हुए थे वही है। ठीक है, तो आपने ये रेगुलर बेसिस पे देखते जाइए कि ताकि आपको इसका आइडिया मिल सके। और जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में 23 से 27 से तक ये एग्ज़ाम होगा, जो पेपर 1 का सीबीटी एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम। तो आप सभी वो जल्द से जल्द भर लें। ठीक है, कि ताकि आपको इसके बारे में आइडिया मिल सके। ठीक है, तो ये सिलेबस के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिए कि जो सिलेबस यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है उस सिलेबस को तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। ठीक है, तो ये बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, ये जितने भी सिलेबस के हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग वाले तो इसको देख के और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आज 1 फरवरी 2019 को ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ठीक है, तो आप उसको फॉर्म को भर के और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।